एक जैसी नौकरी में कंगाल हो गया, कोई करके घोटाला मालामाल हो गया, कोई करके घोटाला मालामाल हो गया। एसएससी के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अपनी मांगे मांगने आए हैं, उस आंदोलन में संसद मार्ग पर हम लोग बैठे हुए हैं और लगातार सरकार डीओपीटी और एसएससी से ये मांग कर रहे हैं कि एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रत्येक परीक्षा की कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड सीबीआई जांच। हम लोग पिछले 18 दिन सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर भी प्रयासरत थे, वहाँ हमारी मांग को सीजीएल पर सीमित कर दिया गया था सर, और ये कह दिया गया था कि जांच सिर्फ सीजीएल की होगी। हम चाहते हैं कि प्रत्येक परीक्षा की जांच हो, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में भ्रष्टाचार है, सीएचएसएल में भ्रष्टाचार है, एमटीएस में भ्रष्टाचार है, सीजीएल में भ्रष्टाचार है। हम लोगों ने एक महीने से प्रोटेस्ट किया, इलाहाबाद में भी, जयपुर में भी, सब जगह प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी, कोई भी, सिर्फ सीबीआई का आश्वासन दिया है पर मांग कोई पूरी नहीं हुई। दूर से बैठ के आश्वासन देते हैं, सीबीआई की जांच स्टार्ट हुई भी नहीं है अभी तक, और बस उसी की मांग की जा रही है। एक घंटे का अल्टीमेटम मिला हुआ है, 3:05 में कुछ न्यूज़ पता चलेगी, फिर हल्ला बोल होगा सीधे। हमने एक 2000 की नोट पे एक मंगलयान का एक चित्र बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है बहुत ऊंचाई तक जाए, लेकिन एक नारा दिया गया था, संसद के सिपाहियों ने दिया था कि सबका साथ सबका विकास, तो इंडिया के हर नागरिक ने इनका साथ दिया, लेकिन विकास तो उन भ्रष्टाचारियों का हो रहा है। हम राष्ट्राध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं कि हमारी 2013 से लेकर 2017 तक की सीबीआई जांच हो, ये हमारी मांग नहीं है, हम सब पूरे देश की युवाओं की लड़ाई नहीं है, ये हमारा हक है, और आप सब संसद के सिपाहियों को, राष्ट्र अध्यक्ष जी को मिलकर हम सबका सहयोग करना चाहिए और सीबीआई जांच करानी चाहिए। 2013 से कंटिन्यू करप्शन चल रहा है, सीटें खरीद ली जाती हैं, बच्चों जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोई सीट बचती ही नहीं है, तो वो एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि सारी सीट तो पहले से ही बुक कर ली जाती हैं। अभी न्यूज़ पब्लिश हुई थी 3-4 दिन पहले कि खुराना जी के ऑफिस का एक एम्प्लॉई जो है वो पकड़ा गया स्कैम में, सीएचएसएल के पेपर में, उसके पास कई लग्जरियस गाड़ियाँ, कई लाख रुपए पकड़े गए हैं, तो ये सब क्या है? और खुराना जी ऑफिस में बैठ के कहते हैं कि मैं इस स्कैम का हिस्सा नहीं हूँ, आप नहीं हैं तो आपके ऑफिस से ये ऐसी न्यूज़ क्यों पब्लिश हो रही है? बस मैं एक छोटा सा सवाल, हम लोग जब पेपर देने जाते हैं जूता निकलवाया जाता है, अंगूठी निकाली जाती है, कड़ा निकाला जाता है, पेंसिल अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट खुद देती है, शार्पनर नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर कैमरा जा रहा है, स्क्रीन शॉट आ रहा है, क्या भी नहीं मिला बेगत और चोरी क्या आ रहा है?